सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि बहुत बच्चों का मतलब बहुत बच्चों का एक इशू आ रहा था NIOS का फॉर्म भरने में, खासकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के एक इशू आ रहा था कि उनका फॉर्म नहीं फिल हो रहा था, है ना। तो देख लो, फॉर्म बहुत इजीली से फिल हो जाएगा और ये एकदम ऑथेंटिकेट है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसे फॉर्म भर सकते हो, भरने में कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो देखो, आपको गूगल पे NIOS लिखना है, यहाँ से वैकेंसी पे क्लिक करना है। आपको यहाँ वैकेंसी दिख रही है, वैकेंसी पे क्लिक करना है। वैकेंसी पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो बच्चे अभी तक अप्लाई नहीं किए, यहाँ पे अप्लाई नाउ करके यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हो। और जो लोग बच्चे अप्लाई कर दिए हैं, आपको डायरेक्ट यहाँ से लॉग इन आईडी होगा, मैंने किया हुआ है लॉग इन, तो आपका सीधे ये वाला पेज खुलेगा, ठीक है। देखो, मैंने थोड़ा सा ऊपर वाला चीज हटाया हुआ है। अब देखो, चीजें सीधे पूरी आपके ऐसे ही ओपन होंगी। पहले में आएगा बेसिक डिटेल्स, दूसरे में आएगा अदर डिटेल्स, इसमें आपका नाम, पता, एड्रेस, ये सब होगा। दिक्कत आ रही है बच्चों को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। देखो, आप जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th 12th, वो आप यहाँ पे लिखो। अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, एड मोर पे। यहाँ पे एड मोर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये एड मोर, वहां पे आप एड मोर करके अपना ग्रेजुएशन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीधे ईयर लिखो, ईयर ऑफ मंथ, ईयर ऑफ पासिंग, अपना बोर्ड, CBSE, UP, अपने मार्क्स, परसेंटेज और डिवीजन, ठीक है। फुल टाइम कोर्स था, कैसा कोर्स था, वो आप यहाँ पे फिल करो। अब आते हैं सर प्रोफेशनल एंड एडिशनल क्वालिफिकेशन पे। यहाँ बहुत बच्चों को दिक्कत हो रहा है, ध्यान से सुनो, क्लियर बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर पहले NA भरना है, बस जैसे लिखा हूँ एज इट इज फिल कर देना। यहाँ पे NA भरना, NA मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। ये NA देखते ही वहां पे लोग समझ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनका ये कहना था। देखो, मैं एक ऑफिशियल से बात करने के बाद ही आपको चीज क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो बोला सर आप NA फिल कर दो, उसके बाद कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको फिर हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे सर्टिफिकेट रखे रहते हैं, इसके लिए ये चीज किया गया है। तो आप यहाँ पे NA फिल कर दो और ईयर में सिर्फ ईयर डाल दो 2021 बस, ठीक है, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। टोटल एग्रीगेट में यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, ठीक है, जीरो लिख दो, बाकी सब में जीरो लिख दो, परसेंटेज ऑफ मार्क्स जीरो, क्लास रिवीजन में जीरो लिख दो बस। यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो, समझ गए मेरी बात। सीधे आपको ये काम करना, कोई काम नहीं करना। उसके बाद आते हैं वेदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन में। आपके पास 12th है, आप यस कर दो। बाकी आप का जो सब्जेक्ट आप लिख सकते हो यहाँ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसको आप यस कर दो। आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, नहीं भी लिखो कोई इशू नहीं, इसी को कॉपी पेस्ट मारते रहना एज इट इज। इसको आप यहाँ पे आप कर सकते हो, आपके पास नॉलेज है, आप लिख दो यहाँ पे यस, ठीक है। डिजायरेबल जरूरी नहीं है, आप पास हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई अच्छी बात नहीं। बैचलर डिग्री रखे हो तो यस कर देना, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स रखे हो तो यहाँ पे यस या नो करके कोई भी कोर्स करके आप यहाँ पे लिख देना, कोर्स ऑन कंप्यूटर कोर्स मतलब CCC। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे सीधे नो पे क्लिक करना और यहाँ पे अपडेट कर देना। अच्छा, सब स्टेप में आपको अपडेट पे क्लिक करना होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर आते हैं डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, लॉजिकल ऑर्डर। अब आर यू एम्प्लॉयड, सीधे आपको नो पे क्लिक करना है, यस एंड नो, देन उसके बाद आपको अपडेट पे क्लिक करना है। फिर आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे, यहाँ पे सब आप नो कर देना, सब के सब नो। नो पे क्लिक करने के बाद आप सीधे आ जाओगे किस पे, अपडेट पे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद आप सीधे आ जाओगे इस पे, आप यहाँ पे आई हियर डिक्लेयर पे क्लिक करोगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, एंड आप यहाँ पर आकर डॉक्यूमेंट अपलोड में अपना कोई भी डॉक्यूमेंट, आप आधार कार्ड, यहाँ पर आधार कार्ड पे क्लिक कर देना और यहाँ पे एक JPG फाइल अपलोड कर देना। JPG फाइल लगेगा, ठीक है, JPG, JPG, PNG, बेसिकली उनको पिक चाहिए जिसकी साइज 1 MB से कम हो, तो यहाँ पे मेंशन है 1 MB से कम हो, तो आप यहाँ पे इसको अपलोड करो। देन आपको फिनिश पे क्लिक करना है और आपका जो भी आपकी फीस होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो एक सिंपल सा इजी प्रोसेस है जिसको जूनियर असिस्टेंट भरने में या अभी पोस्ट भरने में इश्यू हो रहा था। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो
कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा ये समझ लो ये 100% ऑथेंटिकेट है। तो जैसे जैसे बताया हूं आप बिल्कुल कर सकते हो, और तैयारी इसकी एप्लीकेशन भी चल रही है, जो बच्चे करना चाहो वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है। हाँ इसके प्रिपरेशन में बेसिकली एक और चीज था, आपका जो बच्चे असिस्टेंट का फॉर्म भर रहे हैं ठीक है, उनको ऑफिस प्रोसीजर नोटिंग ड्राफ्टिंग ये भी उनके सिलेबस में है, तो ये सब पूरा कंटेंट एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप वहां से इसको करके पढ़ सकते हो। तो ये एक इजी प्रोसेस है, इससे आप फॉर्म भरो और अपनी तैयारी शुरू कर दो। मेरे हिसाब से फॉर्म भरो ठीक है। और इसका एग्जाम देखो, बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर 2019 का एग्जाम है, समथिंग नहीं हुआ था। देखो पिछले साल का वैकेंसी इसमें ऐड कर दी गई है, बेसिकली उनका एग्जाम भी ऐड किया, उनका एग्जाम भी इन्हीं के साथ होगा ठीक है। नोटिफिकेशन पे मेंशन है सब कुछ, तो आप आराम से एग्जाम होगा इस बार, तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर दो। बहुत से बच्चों की दिक्कत क्या होती है कि जब एग्जाम का डेट आता है तब उनका दिमाग की बत्ती जलती है, तो तैयारी ऐसे मत करो, ऐसे करो कि सिलेक्शन लेना है ठीक है। बाकी मैं तो हुई हूं, मेरे से जितना हेल्प हो सकेगा मैं उतना आप लोग के लिए हेल्प करूंगा ठीक है। देन बेटा मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।